नमस्कार साथियों, भौतिक जगत के अंतर्गत फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ में। और क्लास इलेवेंथ में फिजिकल वर्ल्ड पे बात करने से पहले हम आपको बता दें, क्लास इलेवेंथ तो इससे पहले बात कर रहे हैं, तो दो वीडियो हम आपको भेज चुके हैं, उसको जरूर देखिएगा। आपको हमको लग रहा है कि उम्मीद हमको लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसमें हम कंजर्वेशन लॉ के बारे में बात, संरक्षण का सिद्धांत इसको बोलते हैं, संरक्षण का सिद्धांत ये क्या होता है। देखिए, कहा जाता है कि पदार्थ को जब हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा। मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कंजर्व किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है। आपको बता दें कि एक यूरेनियम की बात करें, समझा देते हैं, यूरेनियम की बात करें हम, तो जितना उसका मास है जब उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, मतलब कि जब टूटता है वह, तो वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है तो गामा किरणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? गामा किरणों के रूप में। प्रैक्टिकल किया गया है लैब में कि जब गामा किरणों को जब एक पास लाया गया है, और हमें कह सकते कि भारी धातु पर जब गामा किरणों का बौछार कराया गया, मान लीजिए धातु है, इसका कुछ वेट है और भार है कुछ, और जैसे इस पे गामा किरणों का बौछार कराया गया तो इस धातु का भार बढ़ गया। क्यों? गामा किरणें आई और अपने आप को एनर्जी से मास के रूप में कन्वर्ट कर ली। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन लॉ, इस प्रकृति में जो भी पदार्थ है प्रकृति ने उसको कंजर्व किया है, हम न उसको बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक से दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा का भी फॉर्म है, मास का भी फॉर्म है। इसके लिए हमने लिखा है, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, हम न इसको बना सकते हैं न इसको कर सकते हैं, न इसको बना सकते हैं न इसको बिगाड़ सकते हैं। वी कैन ओनली ट्रांसफर इज फॉर्म वन सिस्टम टू अदर, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, वी कैन ओनली ट्रांसफर इज फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, हम इसको न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं, हम केवल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम, हमें कर सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा का कई सारा रूप है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कंजर्व की बात करें तो मास कंजर्व है, ऊर्जा एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व है। इलेक्ट्रिक चार्ज संबंधित कुछ बात बताते हैं, जब चुंबक के बीच में हम कुंडली घुमाते हैं तो पता ना कहां से इस प्रकृति से एनर्जी उसमें आ जाता है, और हम बल्ब जलाता है फिर वापस चला जाता है, इस प्रकाश में बल्ब जलता है, प्रकाश के माध्यम से फिर प्रकृति में फैल जाता है। जैसे हम बताना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी भूल गए हम, कि डायनमो से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो डायनमो विद्युत जो करंट का उत्पादन करता है अपने में वो प्रकृति से लेता है, और जब बल्ब हम जलाते हैं तो बल्ब जब जलता है तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाता है, और जब बाहर ऊर्जा निकल जाता है वही फिर प्रकृति में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी कंजर्व की बात करें तो बहुत सारी प्रकृति पे जो भी नियम सिद्धांत बने हैं उस पे जो भी चीज खत्म होने वाला कुछ नहीं है, और ना उसको बनाने वाला है। इसी के अंतर्गत हम संरक्षण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, संरक्षण में सारी चीज आती है, मास एनर्जी मोमेंटम इलेक्ट्रिक चार्ज ये सारी चीज आते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम एक टॉपिक और बात करेंगे इसमें, और ये वीडियो हमारा अंत होगा। हम चाहते हैं कि तीन वीडियो में हम इसको कंप्लीट करें, और आप हमारी इस बातों को जो भी हमने हिंदी में बोला है, आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी को नोट कर ले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को नोट कर ले। अब देखिए, लॉज ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एक चीज और आप इसमें एक चीज और था, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं उसको, थोड़ा सा बता देते हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल, समाज और
प्रौद्योगिकी आपके एक टॉपिक दिया हुआ है, तो टेक्नोलॉजी क्या है? हमें कह सकते हैं टेक्नोलॉजी फिजिक्स का यह देन है, हमें कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वह प्रक्रिया है या टेक्नोलॉजी फिजिक्स का या भौतिकी का वह देन है जो मानव अपने काम को आसान बनाने के लिए अपने संसाधन का को बनाता है जिससे उसका काम आसान होता है, वही प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे कहने का मतलब ये है, पहले हम अपना सूचना एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते थे, तो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का देन है कि हमें बैठे बैठे अपनी सूचना किसी अन्य को पहुंचा देते हैं। तो इंसान ने इस चीज को बनाया, किसको? मोबाइल को बनाया इंसान ने। क्या सूचना पहले पहुंचाने में समय लगता था, अब इंसान क्या करता है, सूचना को आसानी से पहुंचा देता है। मोबाइल को कौन बनाया? मानव ने बनाया। क्यों? अपने काम को आसान बनाने के लिए फिजिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करके एक नई चीज बना दी, वही टेक्नोलॉजी कहलाता है। बातें समझ में आई? और टेक्नोलॉजी हमारे समाज में जब आई तो समाज का सोच बदल गया। समझ में आ रहा है कि सोच बदल गया? तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जितना ही विकास हुआ समाज का सोच उतना ही बदला। क्यों बदला भाई, थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आपको कहीं जाना होता था, अपने एक शहर से दूसरे शहर में बाजार करने जाना होता था, शहर की दूरी 10 किलोमीटर हुआ करती थी, तो आप सोचते थे काम एक आदमी को पहले ही कोई सामान खरीदना होता था तो आदमी पैदल जाता था। इतनी बातें समझ में आ रही? जब आदमी पैदल जाता था तो स्थिति क्या बनती थी, थोड़ा समझिएगा। स्थिति यह बनती थी कि आदमी को कहा जाता था कि बाबू तुम सुबह उठना और यह झोला लेना और शाम तक बाजार करके आना। अब फिजिक्स का नियमों का प्रयोग करके नए संसाधन आ गए, अब हमारे पास मोटरसाइकिल बाइक कार हो गया है, ट्रैक्टर ट्राली हो गया है। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और एक घंटा में बाजार जाते हैं, एक घंटा में बाजार करके चले आते हैं। यह किसका देन है? हमारा समाज किसी प्रयोजन को करता है, किसी नियम को बनाता है या कोई काम करता है तो हमारे पास कितनी संसाधने हैं, संसाधन के हिसाब से काम को करता है। अगर संसाधन हमारे पास नहीं था पहले तो काम करने में समय लगता था, तो सोच में यही होता था कि कुछ है नहीं, इसको समय लगना ही लगना है। अब संसाधन हमारे पास आ गए हैं तो हमारा काम आसान है। समाज का सोच संसाधन पर डिपेंडेबल है। हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, समाज का सोच बदला। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। हम कह सकते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। हम कह सकते हैं कि नियम का प्रिंसिपल की बात करें, जो भी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और टेक्नोलॉजी। देखिए हम बता देना चाहते हैं थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कह सकते हैं मोटर चलिए या जनरेटर। अरे भाई डायनमो को जनरेटर कहते हैं। विद्युत मोटर जो होता है, पंखा जो आपके घर में जो आपको हवा खिला रहा है, वह विद्युत जो पानी देता है घर में, वह उस मोटर की बात कर रहे हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का लिस्ट हम आपको दे रहे हैं पीडीएम के फॉर्म में। इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा, जैसे ही एड करेंगे वीडियो देखते जाइएगा, इसके लास्ट में आपको कॉपी मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और यह हमारा आज का जो वीडियो है, हमने 3 वीडियो में लेसन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। आपको डेली फिजिक्स का वीडियो मिलता ही रहेगा। हम चाहते हैं कि बातें आपको अगर समझ में आ रही है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।